आ रही है और ये भी रेडी हो गई है, तो इट्स ओके, चलता है। और ये देखिए मैंने माता जी का फेस डन करा है, आईज लग। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज है पहला नवरात्रि, तो मेरी तरफ से आप सबको विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रे। और आज हमने सोचा था कि मूर्ति मतलब लाएंगे सुबह मॉर्निंग में ही, बट जब मेरे हस्बैंड गए ना, तो जहाँ से हम गणेश जी के लेकर आए थे ना, तो वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति मिली मिल गई थी, पर अभी मूर्ति बिल्कुल भी नहीं मिली। ये बोल रहे हैं आसपास कहीं नहीं मिल रही है, तो फिर मैंने उनको यूँ बोला कि ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हो ना, तो मार्केट करने में जहाँ भी आपको जब भी मिल जाए तो आप लेकर आ जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, मिल जाएगी तो मैं लेकर आऊँगा। तो अभी वो मेरा मैंने फ़ोन करा ना, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी देखूंगा, अभी वो मार्केट में ही है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे, हमारे यहाँ बाहर जो छोटा सा मार्केट लगता है ना, फूल वगैरह ये सब मतलब नारियल वगैरह ये सब मैंने जिम्मेदारी ली थी कि मैं ले आऊंगी, तो आपसे मूर्ति लेकर आना। तो अभी मैंने फ़ोन करा तो बोल रहे थे कि ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। तो हम तो अपना काम तो हम कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या स्थिति बनती है, कैसा होता है। तो अभी हम जो लोग जा रहे हैं मार्केट के लिए, और कुछ सब्जी वगैरह और फूल वगैरह ये सब मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए चलते हैं मार्केट में, क्या क्या मिलता है, जो हमारी जरूरत का सामान है वो मैं लेकर आती हूँ। ये देखिए बच्चों ने क्या करा है यहाँ पे। और बस अभी ये सामान लेकर हम लोग आए, ये देखिए सारा सामान लेकर आई हूँ मैं। ये है सारा, तो बस अभी चुने रखे पर्स रखा, बहुत तेज प्यास लग रही है। पता चल क्या है ना, बहुत तेज गर्मी और पसीने आ रहे हैं, अभी चिपचिपी होगी बॉडी। ये देखिए यहाँ पे ये सामान लेकर आई मैं पूजा का, और अब फटाफट से तो मैं लगा के गई थी, और मैंने उन्हें अभी फिर फोन करा 3 बार, तो वो बोल रहे हैं कि अभी मतलब मूर्ति मिल ही नहीं रही है। अब पता नहीं क्या है, मेरे को तो नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ है। बाकी उन्होंने मना कर दिया कि मूर्ति नहीं मिल रही, और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मिट्टी की मैं बनाऊंगी अभी तो बहुत। अब देखते हो कैसे बनती है, जल्दी जल्दी में मुझे समझ में नहीं आ रहा, मूर्ति मिल ही नहीं रही है। पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि मूर्ति नहीं मिल रही हो, तो अब मैं कैसे बनाऊंगी, मतलब समझ नहीं आ रहा, और बहुत वो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे करूंगी। तो देखिए कोशिश करती हूँ मैं, कैसे हो पता है मेरे से। चलिए पहले ये सामान सारा निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं ये लाई हूँ कलश, इसे बोलते हैं धुपाड़ा, और ये है दीपक, एक ही दीपक लाई हूँ, इसमें हवन वगैरह करते हैं ना, तो ये उस काम आता है। और ये फूल भर के, और फिर इसमें ज्वारे आते हैं वो डाल देते हैं। यहाँ पे नारियल, और ये है मिट्टी जो कि इसमें डालेंगे। और ये है ज्वारे, जो मैं बोल रही थी ना ज्वारे लाएंगे, ये है ज्वारे। और ये है माता जी की चुन्नी, और ये सिंगार। ज्यादा कुछ खास नहीं लाई हूं मैं, बस जो एक कॉमन सा नॉर्मल सामान होता है वही है।
तो बस ये सारा सामान मैं अभी लेकर आई हूँ, और अभी तो मैंने रख दिया है, और साथ में ये दो सब्जी वगैरह भी लाई हूँ, टमाटर है, हरी मिर्च है, और ये आलू है, बस दो ये चीज़ें आई हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं है, खा लिए। तो अभी सबसे पहले पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मूर्ति मिली नहीं है, और मूर्ति मैं अब बनाती हूँ तो मतलब इतनी अच्छी मेरे से कैसे बनेगी समझ नहीं आ रहा, और बहुत ज़्यादा दिमाग थोड़ा टेंशन में भी जा रहा है, और थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है। अगर मुझे पहले पता पड़ जाता तो फिर मैं दिन में इस चीज़ को बनाती, अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ। जो लोग शाम को माता जी लेकर आए ना, तो वो ला चुके हैं, और मतलब उन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, और मैं इतना लेट हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जैसे मुझसे होगा जल्दी जल्दी मैं वैसे ही प्रिपेयर कर लूँगी, और अब कुछ नहीं कर सकती। एक कॉल और करके पूछ लेती हूँ मैं लास्ट कि क्या हुआ, चलिए मैं पूछती हूँ पहले। और यहाँ पे ना मूर्ति के लिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिल पाएगी, तो फिर मैंने क्या करा, दो गमले खाली कर लिए छोटे छोटे, उनकी मिट्टी निकाल कर, और फिर मैं उसमें थोड़ा सा पानी, और ये कुछ लकड़ियाँ होती है ना उससे क्या वो टूटती नहीं है बीच बीच में फंसाने से, वो मतलब उसमें एक मतलब जुड़ाव रहते हैं, तो यहीं पर बस मिट्टी को अच्छे से मैश कर लूँगी। और आता जाता तो कुछ भी नहीं है, बट कोशिश करूँगी। तो पहले देखिए मैंने ऐसे ट्रायल करा है कि लकड़ियों को ऐसे नीचे सेटअप करके मतलब ऐसे बनाने की कोशिश करी, बट नहीं बना ऐसा, तो फिर मैंने सब लकड़ियाँ वकड़ियाँ तो साइड में कर दी, फिर दूसरी तरह से बनाना स्टार्ट करा, तो फिर बीच बीच में एक एक लकड़ी इसके अंदर एंटर कर दिए ताकि इसको सपोर्ट मिले, और ये मतलब मूर्ति थोड़ा सा स्टे मतलब खड़ी रहे स्टे रहे। तो ऐसे कोशिश कर करके पूरे हाथ देखिए मेरे ऐसे हो गए हैं जैसा मुझे आया ठोक पीट के, मैंने कोशिश करी है बनाने की, मतलब आता तो नहीं है मुझे, पर कोशिश करने से कुछ ना कुछ तो होता ही है, मतलब थोड़ा कुछ तो अपन सफल होते ही मेहनत में। तो बस वही कर रही मैं यहाँ पे, और उसके बाद फ़ोन आया कि नहीं मूर्ति मिल जाएगी मैं ले आऊँगा, तो फिर कहीं थे मार्केट में वहाँ से कॉल करा, बट फिर जब मैंने इसको मतलब स्टार्ट कर ही दिया था तो फिर मैं इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो नहीं लाते तो फिर मेरे को तो इसे ही करना था ना, तो फिर मैंने बना ली जैसे मेरे से बनी। तो ये होता है ना कभी कभी तो कि कुछ चीज़ें हमें जब नहीं मिलती या तो बिल्कुल नहीं मिलती, और मिलती है तो डबल डबल मिल जाती है। वही यहाँ पे हुआ मेरे साथ कि माता जी कहीं तो एक नहीं थी और अब मिली है तो दो दो हो गई मेरे पास। और ये देखिए इतनी मूर्ति मैंने तैयार कर ली है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाके उन्होंने फ़ोन करा है कि हाँ मिल जाएगी मूर्ति, तो मूर्ति लेकर आ रहे हैं, और इतनी मेहनत मैंने कर ली है, इतनी मैंने मतलब ये बना ली है मूर्ति माता जी की, अब मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं इसको भी रख लूँगी साथ में क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है इसमें, ये बाल हैं, ये माला है, ये हाथ भुजाएं हैं, ये लो इनकी पूंछ है, ये लो इनके पैर हैं, ये फेस अभी बाकी रह गया, तो अब ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही करूँगी, लेकिन इसको भी मैं साथ में ज़रूर रखूँगी क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरी ये वाली मूर्ति है। और ये देखिए मैंने माता जी का फेस डन करा है, आइज़ लगा दिए, नोज़ लगा दिए, दिखाती हूँ और पास, तो कुछ इस तरह से बन पाई है क्योंकि मिट्टी से इतनी अच्छी तो आती नहीं है, फिर भी इतनी कोशिश करी है मैंने, मजाक में थोड़ा ना। देखिए गाइस इस तरह से बन के तैयार हुई है, लोयन भी साथ में बनाया मैंने, और ज्यादा खास तो नहीं बना बट ऐसे ही बना है। अभी फेस में थोड़ा सा ये स्किन कलर करूंगी, तो ये फेस में स्किन कलर डाल दिया मैंने यहाँ पे, और ये देखिए दूर से ऐसी लग रही है, एक बार हटा के दिखाऊं, अभी क्या गीली है ना थोड़ा सा डर लग रहा है। मेड फॉर मी, मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि मैंने लोयन वगैरह भी बना लिया, क्योंकि मुझे इतनी घबराहट हो रही थी ना, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी, बट मतलब जैसा हो गया, वो कहते हैं ना माता खुद ही करवा लेती है उनको जो करवाना होता है, और मूर्ति भी आ रही है और ये भी रेडी हो गई है, तो इट्स ओके चलता है। ड्राइंग देना तो
यहाँ पे ना मूर्ति देखकर वो चले गए थे, नीचे ही देखकर चले गए थे लवी को, तो लवी ऊपर लेकर आई, तो बस माता जी को मैंने घर में एंटर यहाँ पे फूलों से स्वागत के साथ कर लिया है, और इसका अखबार वगैरह अभी नहीं हटाऊंगी थोड़ी देर में, घर के अंदर ले लिया हमने, यहाँ पे रखी है, अभी अखबार नहीं हटाया है, अखबार अभी हटाएंगे, पहले पूरी व्यवस्था जमा लेते हैं पूजा करने की। और ये वाली यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है, ये थोड़ी सी सूज है, उसके बाद इनको भी बिठा देंगे। और जैसा कि मैंने सबसे पहले गणेश जी का फेस आप लोगों को ही दिखाया था, तो माता जी का फेस भी सबसे पहले आप लोगों को ही दिखा रही हूँ, मैंने भी नहीं देखा अभी। तो ये देखिए आपके साथ मैं भी देख रही हूँ, तो ऐसी आई हुई है। और ये सिंहासन जो है ना, इसमें माता जी वाली आई नहीं रही है, बड़ी पड़ रही है थोड़ी सी। तो बिना सिंहासन के बिठाना पड़ेगा। यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड अब आ चुके हैं, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत तो यहाँ पे मतलब जो व्यवस्था है ना वो तो मैंने कर दी थी, उसके बाद लवी और उसके पापा दोनों मिलके पूजा करेंगे, तो उन्होंने बोला हम लोग कर लेंगे, तो फिर मेरे को भी थोड़ा लगा ठीक है कर लेंगे, तो मैं किचन की तरफ चली जाऊँगी क्योंकि अभी किचन का कोई भी काम नहीं हुआ है, तो फिर इन लोगों ने जिम्मेदारी ले ली ना कि हम लोग मतलब जमा लेंगे पूरी पूजा की व्यवस्था, तो फिर मैं किचन की तरफ आ गई हूँ, और मैंने बोला 15 से मतलब 20 मिनट के अंदर मैं खाना रेडी कर दूँगी, तो वही मैं इनसे बोल रही थी, फटाफट मैं लग गई जल्दी जल्दी अपने किचन के काम में, भगभग के मैंने बहुत जल्दी जल्दी किचन का काम निपटाया, तो मैं इसमें इतना ज़्यादा दिखा नहीं पाई कि मैंने क्या क्या बनाया, बट थोड़ा थोड़ा मैं दिखा दूँगी। और इस टाइम मेरे को मतलब व्रत भी रखे हैं ना, तो भूख भी लगी हुई थी, क्योंकि नेचुरल सी बात है जब हम दिन भर सब कुछ खाते पीते हैं तो हमें शाम को भूख लग जाती है, तो अभी तो कुछ नहीं खाया हुआ है, सिर्फ मैंने बनाना लिए थे, 2 बनाना मैंने मॉर्निंग में ले लिए थे दिन में, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, तो फटाफट से यहाँ खाने की तैयारी कर लूँगी जल्दी जल्दी से, और मैं बनाऊँगी थोड़ा सा मतलब थोड़े से चने बनाऊँगी, थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और सब्जी बनाऊँगी, बस ये 4 चीज़ें बनाई हैं, ज़्यादा कुछ का मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो खाना इतना सही फटाफट प्रिपेयर कर लूँगी जल्दी जल्दी यहाँ पे। और सारे मसाले मैंने डायरेक्ट बड़े वाले जो कंटेनर होते हैं ना उनमें से यूज़ करें, क्योंकि जो छोटे वाले जो मेरे पास मसालदानी वगैरह डेली की होती है ना उसमें लहसुन प्याज के हाथ लग जाते हैं, तो मैंने सारे बड़े बड़े बॉक्स में से यूज़ कर लिए डायरेक्टली, इनमें लहसुन प्याज के मैं हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये चने भी बना लिए हैं, और इधर फटाफट से आलू मैंने लवी से कट करवा लिए थे, थोड़ी सी मदद कर देती है लवी, ज़्यादा तो नहीं कर सकती है, बट आलू वगैरह उसने काट दिए थे, मम्मा आपको जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसने फटाफट मेरी हेल्प कर दी, और इधर पापा के साथ पूजा में लग गई थी, तो इन दोनों को जैसे भी आई जो भी इन्होंने कर लिए, बाद में भी डोक दे लूँगी यहाँ पे, और आरती के टाइम में भी खड़ी हो गई थी, बाकी मैं दूर से देख रही थी बार बार झांक झांक के कि क्या हो रहा है। इधर मैंने सूजी का थोड़ा सा हलवा बना लिया है, सब्जी रेडी हो गई है, चने मैंने बना दिए हैं, अब तेल चढ़ा दिया उधर कढ़ाई में, अभी गैस चालू नहीं करा है, पूड़ी निकाल लूँगी थोड़ी सी, बस यही था आज के खाने में भोग में, मोस्टली तो हलवा पूड़ी और चने का ही भोग लगता है माता जी को, तो बस वही यहाँ मैंने थाली लगा दी है भोग की, भोग भी लगा दिया, हवन कर दिया, और उसके बाद में है ना इन सबको भूख लगी थी, तो मैंने फटाफट से मतलब सारा खाना यहाँ माता जी के सामने टेबल के आगे ही लगा दिया था, और मैं इनको परोसती जा रही थी, तो काव्यांश उसके पापा और लवी ये तीनों खा रहे थे, इनके बाद में ही मैं व्रत खोलूँगी, क्योंकि जब पहले बच्चों को और हस्बैंड को भूख लगी हो तो लेडीज़ को वैसे भी भूख नहीं लगती है, वरना तो डेली में तो मैं बच्चों के साथ खा लेती हूँ, ये बाद में ही आके खाते हैं, बट आज इनको लगी थी तो मैंने इनको पहले खिला दिया, साथ में बच्चे भी खाने बैठ गए, अब इनके खाने के बाद में मैं भी अपना फास्ट खोल लूँगी, और जिसको जो चाहिए वो मैं यहाँ पे सर्व करती जा रही हूँ। और ये देखिए हम लोग यहाँ माता जी की जो अभी आरती पूजा वगैरह करी ना, जस्ट सामने ही खाना सारा एक जगह पे स्टोर कर दिया मैंने, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी भाग भाग के, फिर मैं भी इतना नहीं कि उधर से बार बार सर्व करती, तो मैं यहीं के ही पास में से सर्व करती जा रही थी, और ये इन लोगों ने अपना शाम का डिनर माता जी का भोग सब कुछ ले लिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।